हेलो जय हिंद दोस्तों। यदि मैं आपसे पूछूं कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं तो शायद आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर वास्तव में हमारे देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सवाल नंबर एक, भारत में कितने राज्य हैं? चलिए मैं बताता हूँ। भारत में पहले 28 राज्य थे जिसमें तेलंगाना को शामिल किया गया तो 29 हो गए, लेकिन जब 370 हटा तो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, जिससे कि फिर से हमारा 28 राज्य हो गया। सवाल नंबर दूसरा, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? देखिए पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन जब 370 हटा तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिससे कि यह 9 हो गए। लेकिन यह उत्तर भी गलत है, क्योंकि पहले दो केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 8। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।